बहुत अच्छे फिल्म है, इसको टैक्स भी कर देना चाहिए हर कंट्री में। अच्छा, सोशल मैसेज पे डिपेंड है, क्या मैसेज दे रही है? नहीं, बहुत एंटरटेनिंग है और मैसेज तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है उससे। सभी ने अच्छा काम किया है, सभी ने अच्छा काम किया। अक्षय कुमार तो बेस्ट है, बहुत अच्छा है। जिस तरीके से उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाया है और सोनम कपूर के साथ का भी बहुत अच्छा। सॉन्ग्स आर ओके बट द फिल्म इज ऑसम। आई गिव 4 स्टार। बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत शानदार थी, कोई कमी नहीं है मूवी में। बहुत अच्छी मूवी, तीनों की बहुत अच्छी है, सबों की एक्टिंग बहुत अच्छी, कोई कमी नहीं है। अच्छी है, जिसने भी किया है बहुत प्यारा किया है। स्क्रिप्ट राइटर ने बहुत अच्छी मूवी लिखी है, कोई कमी नहीं है इस राइटर में। सॉन्ग बहुत सुपर सुपर डुपर। 5 में से 5। पैडमैन, पैडमैन देख के आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत ही ऑसम मूवी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है इसे मल्टीप्लेक्स की जगह सिंगल थिएटर जो है गांव वगैरह में, जो कि छोटे टाउन्स में, वहाँ पे ज़्यादा दिखाना चाहिए। उनको दिखाने से बहुत ज़्यादा ऐसा इसमें मैसेज मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप बोर होकर मैसेज देखोगे, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, इसमें ऐसा होगा आपको मैसेज भी मिल रहा है और आप इन्जॉय भी कर रहे हो उस सब। हाँ, एक बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट पैकेज मिलेगा इसमें आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब इसको आप ऐसा नहीं देखा, इन्जॉय के थ्रू जाओ, आपको एक मैसेज लेके बाहर आओगे। एक्टिंग सबसे अच्छा अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की, बहुत प्यारी एक्टिंग है। केमिस्ट्री तो सोनम कपूर के साथ ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो राधिका आप्टे बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रही थी। थैंक यू जी। सॉन्ग तो वैसे दो ही हैं, लास्ट वाला सॉन्ग बहुत एनर्जेटिक था, जो कि टाइमिंग साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा था, काफ़ी अच्छा सॉन्ग था। 5 स्टार। थैंक यू, थैंक यू। मुझे पैडमैन बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। स्क्रिप्टिंग, डायलॉग्स, डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी आर बालकी की। कंटेंट बहुत अच्छा है। आफ्टर द टॉयलेट प्रेम कथा इस इज ए सेकेंड मूवी ऑफ अक्षय कुमार कमिंग विद सोशल मैसेज एंड आफ्टर दैट ही इज डूइंग गोल्ड। नहीं, इस फिल्म को विलेजेस तक पहुंचानी चाहिए। ये सिर्फ फिल्म एक डीवीडी के अंदर नहीं रहनी चाहिए, हर क्षेत्र में जानी चाहिए। और गवर्नमेंट को इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी फिल्म है, जैसे टॉयलेट प्रेम कथा थी। सबकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मेरे को कई डायलॉग बहुत अच्छे लगे इस फिल्म में। जब इसका डायलॉग है, अगर मैन पेनिंग पैड एंड रेड होने लगा, ऐसा कुछ डायलॉग है फिल्म में। वन पैर रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं फिल्म की, एडिटिंग्स, सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, याद रखने वाले सॉन्ग्स हैं। ऐसी नहीं है कि सॉन्ग्स याद नहीं रख सकते। मिक्का का जो गाना है पैडमैन, वो बहुत अच्छा टाइटल ट्रैक है। मैं 5 में से 4 और बहुत अच्छा मनी है। किस तरह की लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी है। अच्छा, सेंसिटिव टॉपिक्स को उठाया गया जो गर्ल्स के ऊपर, आपको किस तरह की लगी? अच्छी सोच है, ऐसी सोच पे और मूवीज बनाना चाहिए, इट्स वेरी गुड। तो रूरल एरियाज में क्या? हाँ, रूरल एरियाज में, हाँ, स्पेशली उधर फ्री ऑफ कॉस्ट पैड बेचना चाहिए। अच्छा, जैसे सोच बताई है वैसे ही होना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मैं भी वही बोलना चाहूँगा जो इन्होंने बोला, कि जो वुमन्स के लिए जो फिल्म बनाई है, जो पैड इतने महंगे में मिलते हैं, तो सस्ते में मिलेंगे तो ऑल ह्यूमन यूज़ कर सकती है। तो अक्षय कुमार की जो सोच है वो सही सोच है। जो उन्होंने अक्षय कुमार, सोनम कपूर भी अच्छी थी, उनकी वाइफ, हाँ वो भी अच्छी। सॉन्ग्स भी ठीक है। 4 4। मूवी अच्छी है, इट इज़ अ सोशल मैसेज दैट इज़ अबाउट हाउ वेमेन हाइजीन इज़ इग्नोर्ड इन द विलेजेस एंड हाउ वेमेन आर ऑल्सो वेरी रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द रूरल एरियाज। सो या, इट्स अ वेरी नाइस एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज। मैम, सेंसिटिव टॉपिक्स पे ये मूवी देखा जाए तो फिर अक्षय कुमार उठाया, क्या कहना चाहिए?
ये टॉपिक सेंसिटिव होना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ये है। और मूवी भी यही कहती है कि लोग बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लोग बात नहीं करना चाहते हैं इसलिए ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, और बहुत एक्सपेंसिव होती है, रूरल एरियाज़ में अफोर्ड नहीं किया जाता। मुंबई में होके हम लोग अवेयर साइड पर हैं, बट रूरल इंडिया में इतनी अवेयरनेस नहीं है। ऑल ओवर द कंट्री मूवी में स्टैटिस्टिक दिया है कि 18% से लेस वुमेन यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम, ये मूवी आई थिंक अवेयरनेस क्रिएट करती है, अगर लोगों को नॉर्मलाइज करती है बात करने के लिए तो अच्छी बात। अच्छा, अक्षय कुमार जैसे कहा कि ये सैनिटरी पैड्स रूरल एरिया में फ्री कर देना चाहिए, गवर्नमेंट से जो अपील की है, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? फ्री करे या ना करे, बट बहुत सब्सिडाइज डेफिनेटली कर देना चाहिए। अभी भी मुंबई में टैक्स लगता है इन सब चीज़ों पर, अभी काफ़ी उसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है GST के ऊपर, तो डेफिनेटली टैक्स तो नहीं ही होना चाहिए। एंड रूरल एरियाज़ में अभी भी अवेलेबल कुछ जगह पे है इन 5 रुपीज़, बट आई थिंक एवरीवेयर होना चाहिए। और सिर्फ अवेलेबल नहीं, लोगों को पता बताना चाहिए कि ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मूवी में कहा गया है कि शर्म की वजह से यूज़ नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली अब इट्स टाइम, 2018 आ गया है। अच्छा, एक्टिंग वाइज किसकी एक्टिंग सबसे अच्छा लगी आपको? अक्षय कुमार की, और उनका एक फ्रेंड है मूवी में, जो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा, जो उनकी हेल्प करता है। केमिस्ट्री वाइज इट्स वेरी नाइस, एंड आई थिंक ऑल द एक्टर्स डिड फेयर जस्टिस टू देयर रोल्स, एंड अक्षय कुमार वाज ऑब्वियसली द हाईलाइट ऑफ द फिल्म, बट वी कैन नॉट इग्नोर राधिका एंड सोनम। एक मूवी से चेंज नहीं आ सकता, एक एक इंसान को अपनी अपनी तरफ से चेंज लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। होपफुली डिस्कशन स्टार्ट होगी इस मूवी की। डायरेक्शन वाइज भी द मूवी हैज बीन वेल रिसर्च, दे हैव शोन व्हाट आर द पेन पॉइंट्स इन द रूरल एरियाज एंड हाउ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट, तो डायरेक्शन वाइज भी इट्स अ वेरी नाइसली डायरेक्टेड मूवी। Songs were, you know, running in the background to complement the mood of the movie. There was no dance sequence as such, and it's overall a very enriching experience in terms of how things are. So, how many stars would you give? We'd like to give 5 on 5. 5 on 5. So the movie was, जैसे कि हम बोलते हैं, हम यहाँ पे पढ़े हैं Fun Republic में. और हमने मूवी देखी, हमने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, एंड द मूवी वाज रियली कमेंडेबल। और अक्षय कुमार जिस खूबसूरती से आया है, इंडिया को बोलते हैं गोल्डन बर्ड का नाम देते हैं, लेकिन अगर गोल्डन बर्ड सुनहरे अक्षरों से एक एक स्क्रिप्ट लिखी है, तो अक्षय कुमार ने बहुत ब्यूटिफुली वो मूवी की है। जो उसने इसमें रोल प्ले किया और जो सोशल मैसेज हमें दिया है, वो इतना कमेंडेबल है कि मतलब हमारी आँख में ना एक आंसू था, ना चेहरे पे एक हंसी थी, हमारी सिर्फ आँखें उस मूवी में गड़ी हुई थी कि पैडमैन ने इतनी खूबसूरत मूवी से इतना खूबसूरत मैसेज दिया है। सोशल इशू पे, हाँ सोशल इशू पे, मतलब उन्होंने ये कॉन्सेंट्रेट किया, और इतना कमेंडेबल जॉब है कि गांव गांव शहर शहर वो लोग, मतलब लोगों को पता नहीं है, सिर्फ 12% लोग, हम जैसे लोग इतने ब्लेस्ड हैं, और हम लोग को पता भी नहीं है कि गांव में लोग राख यूज़ करते हैं और क्या क्या यूज़ करते हैं, और उसकी वजह से उनको कितनी बीमारियाँ होती है। एक औरत जो कि मतलब वंश बढ़ाती है, जिससे जितने भी आप दुनिया में लोग देख रहे हैं, वो एक औरत की वजह से, और उसी ने यही औरत के मुद्दे को समझा है और ये टॉपिक पर उसने मूवी बनाई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज हम हैं तो एक औरत की वजह से हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं एक औरत हूँ इसलिए बोल रही हूँ। अक्षय कुमार ने हर एक बहन, हर एक माँ, हर एक लड़की को ये मूवी करके इतनी खुशी दी है कि वो अपने शब्द नहीं बयान कर सकती है। बहुत ही सेंसिटिव, सब कुछ सही बोले मैम। देखा जाए तो फिर तो इससे क्या अवेयरनेस बढ़ेगी रूरल एरियाज़, देखा जाए तो अवेयरनेस बेशक बढ़ेगी, क्योंकि अक्षय कुमार ने ये एक पर्दे पे काम किया है, तो अगर हम पर्दे पे कोई चीज़ देखते हैं, तो वो हम एक चीज़ एक लोग नहीं देखते हैं, वो बहुत सारे लोग देख के जाते हैं, और हम देखेंगे तो हम दूसरों को बताएंगे, तो हम जब दूसरों को बताएंगे, और उसने गांव का मुद्दा कवर किया है, गांव में भी स्क्रीनिंग इसकी होगी, अक्षय कुमार पर्टिकुलरली गांव में गया है। मैं मीडिया फील्ड से हूँ, मैं भी चैनल से हूँ, और मैंने भी उसको असिस्ट किया है, बट ये जो उसने किया है कि गाँव के लोगों को कवर करना, बिलियंस और मिलियंस ऑफ पीपल को कवर करना, वो लोग नहीं जिनको पता है, जिनको पता है उनको तो ऑलरेडी पता है, बट जिन लोग को नहीं पता है, जो लोग राख यूज़ करते हैं और गलत चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको बताना ये बहुत ही बड़ी बात है। अच्छा, एक्टिंग किस एक्टर सबसे अच्छा लगा आपको? पैडमैन। ओह वाह। और डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन किस तरह का रहा? और कुछ नहीं देखा पैडमैन के अलावा। सॉन्ग्स किस तरह के लगे? सॉन्ग्स भी बढ़िया थे। ओके, फाइनली ऑटो पे कितने स्टार देना चाहेंगे? नो स्टार्स, अक्षय कुमार इज अ स्टार। ओके, थैंक यू।
बैडमैन, किस तरह की मूवी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या केमिस्ट्री वाज, केमिस्ट्री किस तरह की लगी? राधिका आप्टे की भी अक्षय कुमार के साथ अच्छी थी और सोनम की भी अच्छी थी, दोनों की अच्छी थी। टॉपिक्स पे उठाया गया है ये देखा जाए तो क्या अवेयरनेस बढ़ेगी रूरल एरियाज की, काफी वहां पे अगर होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली बॉम्बे दिल्ली में तो इट्स नॉर्मल, इतना ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे भी है। बट हाँ, वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हर जगह, मैं तो कहती हूँ फ्री में दिखाओ यार, बिकॉज वहाँ के आदमियों को एक्चुअली होना चाहिए इतना कि यार पीरियड वो सुनते हैं तो वहाँ पे जो दादी वादी होती है बोलती शर्म करो प्लीज़ मत बोलो, वो चीज़ें हटनी चाहिए। हम लड़के हैं और वो नेचुरली है हमारे अंदर, तो हम कुछ कर नहीं सकते, इतनी शर्म की कोई बात होनी नहीं चाहिए उसमें। बहुत अच्छा। आउट ऑफ फाइव मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी पैडमैन, और सोशल अवेयरनेस के ऊपर है तो जिस तरीके से इन्होंने निकाली है मूवी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक अच्छा मैसेज मिलने वाला भी है सबको। अगर ये लोग मूवी देखने चाहते हैं तो इनको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, और मैसेज में ये भी मिलेगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम अकेले देखने जा रहे हो, अगर आपको ये शर्म आ रही है कि पैड के ऊपर मूवी है तो चलो फ्रेंड्स लोग के साथ जाते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप मूवी पूरी फैमिली के साथ जा सकते हो और बहुत कंफर्टेबल मूवी देख सकते हो आप, चाहे बच्चे हो आपके साथ में, चाहे आपके साथ में बड़े हो, चाहे आपके डैड हो, चाहे मॉम हो, आप पूरी फैमिली के साथ मूवी बहुत कंफर्टेबली देख सकते हो। मूवी एंटरटेनमेंट भी है काफ़ी अच्छी, कहीं कहीं कॉमेडी भी है, बहुत अच्छा मैसेज भी है। काफ़ी लोगों ने, जितने लोगों ने इस मूवी में काम किया है उन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। अक्षय कुमार जब भी आते एक मुद्दा उठा के, इस बार एक सेंसिटिव टॉपिक से बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सेंसिटिव टॉपिक्स बोलते हैं लोग, देखा जाए रूरल एरियाज में क्या क्यों, मुझे ये समझ में नहीं, बढ़ेगी देखा जाए तो फिर अब कोई ऐसे टॉपिक नहीं है, कोई ऐसा गलत नहीं है मैसेज। और अक्षय ने पिछली बार भी टॉयलेट के ऊपर मूवी लेके आई थी, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मैसेज मिला था तभी हमने जब मूवी देखी थी, एक बहुत अच्छा मैसेज था। और इस बार भी अक्षय सर ने इतनी अच्छा मैसेज लेके आया है लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी गलत नहीं है। आप जाइए, आप देखिए, इंडिया में जो थोड़ी बहुत भी शर्म बची होगी गाँव-गाँव में वो भी हट जाएगी, और हटना ज़रूरी है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें किसी से शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हम शर्माएंगे और जिस तरीके से उस मूवी में दिखाया है, आप या तो अपने बारे में सोचो या तो आप दुनिया के बारे में सोचो, अगर आप नहीं खुल के सामने आ सकते हो तो फिर एक्चुअली जो चीज़ें उसमें दिखाई गई है मूवी में कि इतनी गंदी गंदी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उस चीज़ को लेके, तो बेटर वही है कि आप एक बार मूवी देखो और अपनी सारी चीज़ों को, शर्म को हटाओ। सॉन्ग अमेजिंग, अमेजिंग। फाइव में से फाइव स्टार देना चाहूँगी, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सब ने अपनी जगह पे बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अक्षय सर ने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मैन ओरिएंटेड मूवी है, सब मैन को भी देखना चाहिए, और आप भी अपनी फैमिली को लेके जाके दिखाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।